हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी पॉलिटिकल साइंस इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आपको पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेगमेंट में, सेशन में। तो दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और खासकर ये जो पॉलिटिकल साइंस का यूट्यूब चैनल है इस, तो यहाँ पे आज जो मेरी पहली टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है हमारी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पे मैं आज यूनिट 7 जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है NTAUDC नेट वाला, उसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि देखिए, जो ये पॉलिटी वाला सेगमेंट है इसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC, स्टेट PCS वगैरह या किसी और भी एग्जाम की, तो यहाँ का जो पॉलिटी वाला सेगमेंट होगा मेरा, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि सारे एग्जाम के लिए कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, स्पेशली तो मुझे UGC नेट के लिए ही ध्यान देना होगा। फिलहाल तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज मैं आप लोगों को पॉलिटी का एकदम बेस से शुरू करने जा रहा हूं कि मान लीजिए अगर आप में से किसी को भी पॉलिटी मान लीजिए एकदम नहीं आती बिल्कुल कि सर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे क्या हुआ था, तो एकदम शुरुआत से मैं आज बढ़ाने जा रहा हूं। तो मेरी जो टॉपिक है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम आज पढ़ेंगे। चले उससे पहले हम आपको ये बोलना चाहते हैं, आप अनअकैडमी का जैसे ही प्लस सब सिस्टम लेते हैं आप, तो वहां पर उसके लिए आपको पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। और लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप NTAUDC नेट या कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस गोल को सेलेक्ट करिएगा। फिर वहां से पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन प्लान का चार्ट आ जाएगा। और मैं आपको बस मेरी पर्सनल सजेशंस यही रहेंगे कि 12th मंथ या 24th मंथ का क्या करिए आप प्लान लीजिए। इससे आपको फायदा होगा कि आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और एक लंबा समय हमारे साथ बिता सकते हैं, या जो भी अनअकैडमी पे अच्छे एजुकेटर के साथ आप वक्त बिता सकते हैं, काफी कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं डिटेल मैनर में। पूरी की पूरी चीजें एक एडवांस वे में आप वहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बस यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप ये प्लान लेते हैं वहां पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SAF10, स्पेलिंग देख लीजिएगा SAIF10, ठीक है, SAF10 जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% की यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा 10% को आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो आप तो कोई सा भी प्लान आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन मेरा यही रहेगा 12th मंथ एंड 24th मंथ। चले आगे हम आज शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। जो हमारी टॉपिक मैंने आपको बताया था कि टॉपिक होगी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हम एकदम शुरुआत से आज अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग, उससे पहले मेरे इस टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग शेयर कर दीजिए जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसकी रीच हो जाए। राहुल गुड मॉर्निंग, चले ठीक है, बाकी लोग भी मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मैं अपने टॉपिक को शुरू करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज मैं शुरुआत से शुरू करने जा रहा हूं, और जैसे मैंने टॉपिक का नाम लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मैंने यहां पे लिख रखा है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के मैं आज पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजों में चलूंगा कि अपने हम एंशियंट पीरियड में, मॉडर्न मिडिवल पीरियड में और मॉडर्न पीरियड में, तो वहां से मैं शुरुआत करते करते आपको 1946 से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होना शुरू हो जाएगी वहां तक लाऊंगा, और टिल इंडिपेंडेंस तक मैं 1947 या 1950 तक जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से हमारा लागू हो चुका रहता है। 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका रहेगा और 1950 से लागू। तो आज जो हमारा जो टाइम पीरियड है जो मैंने अभी बोला, उस टाइम पीरियड को हम देखते हैं कि कैसे इतने सालों में हमारे साथ क्या क्या, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग होती है, कैसे बनता है, कैसे वोटिंग वगैरह होती है, उससे पहले क्या क्या प्लान होते हैं, क्या क्या सारी चीजें होती हैं। तो आज हम अपने इस कहते हैं हिस्टोरिकल लेक्चर, आप इसको कह सकते हैं आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ही है, और साथ में इस लेक्चर में मैं पूरा का पूरा बेस आपको देने वाला हूं। तो गाइस जल्दी से जल्दी मुझे ज्वाइन हो जाइए और मैक्सिमम इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग। चले बाकी अब मैं शुरुआत करता हूं अपने इस टॉपिक की। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिस फॉर्म में आज आप देख रहे हो वो कैसे हमारे तक पहुंचा और कैसे बना है, तो इसको पहले हम देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम शुरुआत करते हैं 1526, आप देखिए स्क्रीन पे एक डेट देख रहे होंगे 1526 और 1707।
तो ये जो डेट थी मैंने सामने लिख रखा है इफेक्टिव पीरियड्स ऑफ मुगल। अब देखिए मैं यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, पहले तो ये एकदम माइंड में मेकअप कर लीजिए, मैं यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में यहाँ इसलिए डिस्कस करूंगा क्योंकि आपको जब थोड़ा सा मैं पास्ट में ले चलूंगा, जो आपका बेस मैं बना दूंगा, तो जैसे ही आपका बेस तैयार हो जाएगा यकीन मान लीजिएगा आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह समझ में आने लगेगी। बैस बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे मेरे साथ चलिएगा और आज आपकी क्लास में दिखेगा। चले तो जैसे मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है 1526 से 1707, यानी कि 1526 से 1707 का जो पीरियड रहता है आप सबको मालूम है ये मुगल पीरियड चलता रहता है। और मैंने यहाँ पे मुगल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पहला पीरियड है इतना 1526 से 1707 और दूसरा पीरियड है 1707 से 1857 यानी 1707 से 1857। इन दोनों पीरियड्स को मैंने क्या किया है, एक को प्रभावी चरण में मैंने मुगलों को डिवाइड कर दिया है और दूसरा मैंने अप्रभावी चरण नॉन इफेक्टिव पीरियड थे, यानी कि उस जो उसके बाद जो शासक आए 1707 के आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद जो शासक आए वो बहुत ही अयोग्य शासक थे, इस वजह से ये नॉन इफेक्टिव पीरियड था। अब इस वजह से मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहीं से देखिएगा कि ब्रिटिशर्स आते हैं इसी के बाद से, हालांकि 1600 में वो आ चुके रहते ना, आपको मालूम है महारानी एलिजाबेथ से क्या करते रहते हैं, एक चार्टर लेते हैं 15 सालों के लिए और वो 15 सालों के लिए व्यापार करने के लिए आते हैं इंडिया। लेकिन हम पूरी चीजें अब पूरी हिस्ट्री टॉपिक है नहीं मेरा कि लेक्चर में हिस्ट्री बदूं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए मैं अपनी हिस्ट्री वर्ड्स यूज करूंगा, उतने टर्मोलॉजीज को लूंगा जो आप पॉलिटी को अच्छे तरीके से समझ लोगे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने। चले आगे देखते हैं, फिर यहां से नॉन इफेक्टिव पीरियड्स रहता है, तो जैसे ही यहां पे आपको देखिएगा 1757 पे आ जाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, यहाँ पे बंगाल का एक जो नवाब रहते हैं नवाब सिराजुद्दौला, यहाँ पे जो नवाब रहते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, यहाँ पे नवाब रहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनके बीच में नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ बात को लेकर के तनातनी हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, वो फोर्टिफिकेशन को लेकर और भी इश्यूज रहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि जो क्लाइव रहता है, जो नवाब का मेन मीर बख्शी होता है यानी कि आर्मी चीफ, उसका नाम रहता है मीर जाफर। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल मेरे लेक्चर को एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से मैं आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो ये मीर जाफर जो यहां रहता है, ये क्या होता है मीर जाफर, ये क्लाइव इसको अपनी तरफ मिला लेता है। कहने का मतलब ये है कि अब ये मीर जाफर जो इसका नवाब सिराजुद्दौला का मीर बख्शी होता है, आर्मी चीफ होता है, अंग्रेजों ने इसको अपनी तरफ कर लिया होता है, यानी कि मैच फिक्स कर लेते हैं मीर जाफर को मिला करके। और जो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, 40,000 की ब्रिटिश इनके पास सिराजुद्दौला के पास सेना रहती है, लेकिन वो लड़ क्या होता है, वो पूरी तरीके से लड़ते ही नहीं क्योंकि जो मीर जाफर होता है वो कॉन्स्पिरेसी के तहत क्या कर रहता है, एक मैच फिक्स कर चुका रहता है। तो यहाँ पे नवाब सिराज की क्या हो जाती है, नवाब सिराजुद्दौला डिफीट हो जाते हैं, नवाब सिराजुद्दौला डिफीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा अभी मैं क्यों इसको हिस्टोरिकल पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं और फिर आके मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे कनेक्ट करता हूं देखिएगा। तो नवाब सिराजुद्दौला यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो नवाब बना दिया जाता है मीर जाफर को। मीर जाफर भी जल्दी समझ जाता है कि अंग्रेज उसे प्रशासन नहीं चलाने देंगे, तो डचों के साथ मिलकर के मीर जाफर भी क्या करता है, एक कॉन्स्पिरेसी रचता है, षड्यंत्र रचता है, तो लेकिन डच क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो मीर जाफर को भी अंग्रेज क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो मीर जाफर को जब यहाँ रिप्लेस कर देते हैं अंग्रेज, तो उनकी जगह पे मीर कासिम को बैठा दिया जाता है। हालांकि अभी आप लोग नाम जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करिएगा, मीर कासिम को यहाँ बैठा। तो मीर कासिम जब वो आता है यहाँ पे बंगाल की गद्दी पे, जब बैठता है शासन करने के लिए, तो वो थोड़ा सा समझदार रहता है, उसको ये मालूम हो चुका रहता है कि अंग्रेज उसको शासन करने देंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से अपने पास्ट में काफी चीजें देख चुका रहता है सिराजुद्दौला के साथ और मीर जाफर के साथ क्या हुआ रहता है, तो ये मीर कासिम अच्छी तरीके से जानता है। तो लेकिन फाइनली मीर कासिम जल्दी ही समझ जाता है कि अंग्रेज को चलाने देंगे, तो एट लास्ट मीर कासिम क्या होता है, ये भाग करके कहां जाता है, मीर कासिम आता है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर होता है, देखिए प्लासी के बाद बक्सर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा मीर कासिम क्या होता है, भाग करके अवध आते हैं। ध्यान सुनिएगा, मीर कासिम कहाँ आ रहा है, अवध आ रहा है, और अवध के जो उस समय नवाब थे सुजाउद्दौला, अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला
ठीक है, नाम कंफ्यूज मत होइएगा, जो पहले बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और जो अवध के नवाब थे जो सुजाउद्दौला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम भाग करके कहां आता है, अवध के नवाब के पास, सुजाउद्दौला के पास, और यहाँ पे ऑलरेडी जो मुगल एम्परर रहते हैं बहादुर शाह द्वितीय जफर, बहादुर शाह द्वितीय जफर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। तो अब तीनों लोग अपनी मतलब एक अब तीनों लोग एक मीटिंग करते हैं, बोलते हैं कि अंग्रेज ऐसा ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। तो अब ये तीनों सम्मिलित शक्तियां कौन कौन से, अवध, बंगाल का जो भागा वो नवाब था मीर कासिम, और यहाँ पे ऑलरेडी मुगल बादशाह जो रहते हैं बहादुर शाह सेकेंड जफर। तो अब ये तीनों लोग मिलकर के बैटल ऑफ बक्सर में 1764 बैटल ऑफ बक्सर में क्या करते हैं, वो वार करते हैं। लेकिन क्या होता है, अंग्रेज बैटल ऑफ बक्सर में भी इनको तीनों भारतीय सम्मिलित शक्तियों को डिफीट कर देते हैं। अब देखिएगा यहीं से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होने वाली है, एकदम धैर्य रखिएगा स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पे वो जब वो हरा देते हैं तो अंग्रेज कहते हैं अरे वाह, जब वो प्लासी में इनको हरा देते हैं तो कहते हैं, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आपकी कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट को हरा दे रहे हैं, लेकिन आप पूरे भारत को सेंट्रल गवर्नमेंट को तो नहीं हराया। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में क्या करते हैं, ये मुगल एम्परर को भी हरा देते हैं, और अवध बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, अवध को भी वहां पर डिफीट कर देते हैं, और साथ ही साथ बंगाल भी बहुत बड़ा क्षेत्र, उसको भी डिफीट कर देते हैं। तो कहने का मतलब अब अंग्रेज को लगता है कि अरे वाह, अब तो हमने पूरे के पूरे भारत की जो सम्मिलित शक्तियां थी उसको हरा दिया, तो क्यों ना अब हम क्या करते हैं, अभी तक ये ट्रेड करते थे, क्यों ना अब अपना प्रशासन और राजनीतिक कार्य की शुरुआत करें। तो बैटल ऑफ बक्सर ही जैसे ही इन्होंने भारतीयों की सम्मिलित शक्तियों को अंग्रेजों ने हराया, तो फौरन ये मूव कर जाएंगे कहां की ओर, देखिए फौरन मूव कर जाएंगे ट्रेड से, ये कहां मूव कर रहे हैं, ट्रेड से मूव ऑन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एंड पॉलिटिकल की तरफ। अब समझ में आ रहा है कि कैसे शुरुआत हो रही है, बिजनेस करते करते ये प्रशासन चलाने लगेंगे और राजनीतिक गतिविधियां ये अंजाम देने लगेंगे भारत में। और कैसे अंजाम देने लगे आपको समझ में आ गया, जब वो हराने लगे, बैटल ऑफ प्लासी हराए, बैटल ऑफ बक्सर हराए, उसके बाद फॉरेन तरीके से ये मूव कर जाते हैं 1765-64 के बाद, जब ये बैटल होता है 65 के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल की तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मूव कर जाती है। अब यहीं से जब ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे और पॉलिटिकल गतिविधियां चलाएंगे तो इनको एक संविधान की जरूरत पड़ेगी। अब आप समझ रहे हो ना, मैं अपने टॉपिक पे लेकर के आ रहा हूं आप लोगों को, जल्दी जल्दी पहले मुझे ये बता दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, जितने भी लोग ऑनलाइन अभी मुझसे जुड़ चुके हैं मुझे ये बता दीजिए कि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, राहुल या और बाकी स्टूडेंट, वो मुझे बता दीजिए कि जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब कि अभी एक कहानी के तरीके से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूँ, अभी मैंने कोई टॉपिक शुरू नहीं करी स्टूडेंट, देखिए अभी मैंने कोई टॉपिक शुरुआत नहीं करी है, अभी आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका एक बेस मैं बना दूं पॉलिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके बाद जो आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम शुरुआत कर देंगे आपका पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर को हम इसी तरीके से देखेंगे। तो ये बताइए जो बेस मैं आज देने की कोशिश कर रहा हूँ और एक कहानी के फॉर्म में एक इतिहास की घटनाओं को मैं आज सुना रहा हूँ आपके सामने, आप सबको समझ में आ रहा है, चले ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ही ये मूव करते हैं 1764 के बैटल को हराने जीतने के बाद, यानी अंग्रेज ट्रेड से मूव कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल की तरफ, फौरन अब इन्हें एक संविधान की जरूरत लगने लगेगी। तो इसीलिए ये 1773 आप यहाँ पे देख रहे हो ना, रेगुलेटिंग एक्ट लिख रखा है मैंने 1773 का, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है ध्यान से देखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आते हैं। अब क्या होगा, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे, उसको पास कराएंगे, फिर उसको एक्ट के फॉर्म में यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। 1770 इसमें क्या हुआ था, ये लेक्चर्स मैं डिटेल में दे दूंगा, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स हुए हैं 1773, फिर 1884 यानी पिट्स इंडिया एक्ट हुआ है, या उसके बाद जितने भी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आए हैं 1919 का, 1935 का, 1909 का, 1947 का, सारे के सारे अलग से लेक्चर का मैं एक पूरा वीडियो बना दे दूंगा आप लोगों को। बस आज क्या कर रहा हूं, मैं आज आपको सारी टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग को समझ सकते हो, थोड़ा सा इतिहास में जाकर के, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर के, ओके स्टूडेंट। चले आगे हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वो लेके आते हैं, इसमें भी कई ऐसी चीजें होती हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है, तो ऐसी सारी चीजें करते रहते हैं जीतने के बाद। अब इसी के बाद 1884 में अपना ये पिट्स इंडिया एक्ट लेके आएंगे, 1909 का, 1919 का, ऐसे और भी लाते हैं, 1858 भी लाते हैं, तो बहुत सी चीजें हम तो ऐसे एक डेमो आपको समझा रहे हैं, 1935 का एक्ट लेकर के आएंगे, 1947 का, तो यहाँ पे ये इस तरीके से अपना काम करते रहते हैं। चले फिलहाल अब हम जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब अपने
मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम थोड़ा सा जब बढ़ेंगे तो वहां से हम समझेंगे, कहते हैं कि एक फ्रीडम मूवमेंट्स का क्या योगदान था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग में, मेकिंग में, तो हम उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं उसी के आगे। तो ये जब सारी चीजें होने लगी तो आफ्टर 1942, उससे पहले हम ये चीज बता दें, सबसे पहले हमारे यहाँ 1934 में एम एन रॉय, देखिए आपके जब आप अपने थिंकर्स को पढ़ेंगे, खासकर इंडियन थिंकर्स को पढ़ेंगे, तो एम एन रॉय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एनटीए यूजीसी नेट में 2018-19 से लगातार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एम एन रॉय वगैरह से। तो ठीक है, तो इनको थिंकर्स को भी हमें पढ़ना ही है, तो शाम में मेरी क्लासेस होती है डेली 9 PM पे, मैं वहां पे यूनिट 1 से पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको वहां पढ़ना है तो वहां आ सकता है। चले, तो एम एन रॉय ने जो ये साम्यवादी आंदोलन, ये कह सकते हैं वामपंथी आंदोलन के ये प्रखर नेता थे, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया 1934 में। आप लोग डेट थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, 1934 में इन्होंने विचार दिया संविधान सभा का, और इसी के ठीक एक साल बाद 1935 में, यहां पे एक साल बाद इन्होंने क्या किया, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पर, एक आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी। 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले विचार दिया, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, और उसी के थोड़े से ही समय बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बोला है कि हम अपना एक यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेजेस के आधार पर, यानी एक वयस्क मताधिकार के आधार पर हम अपनी एक संविधान सभा बनाएंगे, और फिर वही संविधान सभा ही हमारा क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करेगी, और कोई बाहरी शक्तियों का या किसी भी फॉरेन पावर का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आप एक सिक्वेंस में देख रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, तो उसी तरीके से 1934 देखा, 1935 देखा, 1938 के बारे में हम देख रहे हैं। इसी मांग को क्या हुआ, जो अंग्रेज थे 1940 में इसी मांग को उन्होंने क्या कर लिया, 1940 में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। किसकी मांग को, जो तीन समय से मांग हो रही है ना, 1935, 1934, 1938 संविधान सभा की, और इसी मांग को 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के साथ, देखिए जब आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपने जानते भी होंगे तो क्रिप्स प्रस्ताव के साथ ये लेकर के आते हैं, इंडिया में प्लान लेकर के आते हैं। लेकिन क्या होता है, मुस्लिम लीग इस प्लान से सहमति अपनी नहीं व्यक्त करती है, और वहां पे क्या हो जाता है, वो तो अलग पाकिस्तान संविधान सभा की मांग करते रहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, तो ये प्लान अस्वीकार कर दिया जाता है इसी के बाद। लेकिन आपको मालूम होगा ना कि इसी के बाद फिर 1946 में, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है कैबिनेट मिशन प्लान, मार्च 1946 में आता है। ओके, मार्च 1946 में जब ये कैबिनेट मिशन प्लान आता है, तो वहीं से अब आप देखिएगा इसका क्या है, मतलब हम आपको बता रहे हैं, इनकी इसमें रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये इसमें ये प्लान था कि क्या कर सकते हैं, भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा जल्द बनानी होगी। समझिएगा कि क्या होना होगा भारतीयों को, हम भारतीयों को क्या करना था वहां पे, अपना संविधान, क्योंकि हम मांग देखिए कब से कर रहे हैं ना, 1934 में, 1935 में, 1938 में, इतने लंबे समय से हम मांग कर रहे थे कि आजाद भारत में एक संविधान, आजाद भारत का एक संविधान होना चाहिए, और धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, आजादी की तरफ बढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक है, 1946 में आप पहुंच भी गए। तो फिर क्या हुआ, इसमें तीन मेंबर्स थे, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो है ये, एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस एंड स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीन मेंबर थे किसमें, कैबिनेट मिशन प्लान मार्च 1946 में जो प्लान आया था, और इसमें यही था रिकमेंडेशन था रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीयों को अपनी संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा जल्द बनानी होगी। चलो ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, यहां पे संविधान बनाने के लिए अपनी संविधान सभा बनाने जा रहा है, तो उस समय जो पूरा का पूरा प्रोविंस था, जो पूरा का पूरा मतलब भारत था, वो 11 प्रोविंसेस में डिवाइड था, यानी 11 प्रांतों में था। अब संविधान सभा बनाने के लिए क्या हुआ है कि अब पूरे के पूरे भारत में क्या किया गया कि सबका, हमने कहा ना सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए जब आप देखेंगे तो 10 लाख पर, अगर आप मोटे तौर पर बात करें तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट अलॉट की गई थी उस समय। ठीक है, अभी देखिए कोई इलेक्शन, किस इलेक्शन ऐसे नहीं हो रहा है, अभी ये इलेक्शन किस लिए हो रहा है, ये संविधान सभा में कौन कौन से मेंबर जाएंगे, कौन कौन से मेंबर संविधान सभा में जाएंगे संविधान बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
को फ्रेमिंग करने के लिए, मेकिंग करने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए अभी पूरी की पूरी सीट अलॉट की जा रही है, और फिर यहाँ पे अभी इलेक्शंस भी देखेंगे, और उसके बाद फिर कौन कौन से लोग मेंबर्स होंगे सारे बारे में हम डिस्कस करेंगे। चले तो फिर क्या हुआ वहां पे, तो पूरे प्रोविंसेस को डिवाइडेड कर लिया गया तीन हिस्सों में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं, तो पहला हिस्सा जो डिवाइड किया गया था उसको बोला गया है ग्रुप ए। पूरे पूरे जो 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रांत थे उस समय 1946 में, तो बोला गया भैया हम प्रोविंसेस को डिवाइड कर लेते हैं और इसी आधार पर हम सीट अलॉट कर देते हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेते हैं, फिर अपना संविधान बनाते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम बेसिक टर्म्स में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पॉलिटी का, अगर मान लीजिए एकदम कुछ भी नहीं आता आपको पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आज के जो आज हमारा जो इंट्रो समय कह सकते हैं एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक इंट्रो लेक्चर है, एक इंट्रो वीडियो है, इसको आप जैसे ही देखेंगे तो आपका एक बेस क्लियर होगा, और फिर इसके बाद जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो मैं टॉपिक वाइज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक वाइज होगा या रिलेवेंस होगी, देखिए मैं वहां पे यहां पे वही चीज पढ़ाऊंगा खासकर जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी। ठीक है, तो उसी को लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस मैंने आपको जैसे अपने फर्स्ट डे जब डेमो मेरा हुआ था, आप देख सकते हैं ना वीडियो मेरे पढ़े होंगे यूजीसी नेट वाले यूट्यूब चैनल पे एन अकेडमी के, तो वहां पे मैंने ये चीज बोला था कि जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे, अपने सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, उसके आधार पर ही कोई चीजों को मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें तैयार होती रहेंगी। तो यहाँ पे आज बेस दे रहा हूं तो उसको समझिएगा। चले आगे हम देखते हैं फिर क्या हुआ था। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में, यानी कि तीन समूहों में पूरे के पूरे भारत के प्रांतों को क्या कर लिया गया था, बांट दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो ग्रुप ए यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदू मेजोरिटी बोला गया, यानी कि यहाँ पे जो सीटें अब अलॉट की जाएंगी ग्रुप ए को वो हिंदू बाहुल्य होंगी, हिंदू मेजोरिटी स्टेट होंगे और वहां पे सीटें अलॉट की जाएंगी। दूसरा ग्रुप आप देख रहे होंगे जो डिवाइड किया गया है वो मुस्लिम मेजोरिटी, ऐसा देखिए इसलिए किया गया है कि हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरा वाला मिक्स पॉपुलेशन, तो यहाँ पे इसलिए ऐसा डिवाइड किया गया है कि सबकी भागीदारी हो जाए, सबका पार्टिसिपेशन हो जाए संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा में ऐसा ना कोई कह सके कि सिर्फ इसमें हिंदू ही थे या मुस्लिम ही थे या ये खास एक वर्ग था या खास कास्ट के लोग, ऐसा नहीं होगा। हमने जब संविधान बनाने के लिए पहले तैयारी जब की है तो हमने ये बात रखी कि सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, सभी वर्ग का पार्टिसिपेशन होगा और इस हिसाब से एक आम सहमति के साथ हम अपना संविधान बनाएंगे, कोई बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप हम पे नहीं होगा। संविधान सभा का यही तो, क्योंकि जब हम अपना सॉवरेन नेशन बोलते हैं ना इंडिया को, तो आगे हम पढ़ेंगे भी अभी प्रीएम्बल्स में, सॉवरेन नेशन का मतलब ही क्या होता है कि किसी भी बाहरी शक्तियों का हम पे हस्तक्षेप नहीं होगा, अपने इंटरनली और एक्सटर्नली अफेयर्स में मैटर्स में हम जो भी डिसीजन लेंगे उसमें किसी बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होगा। चले आगे हम देखते हैं फिर क्या होता है कि जो पहला ग्रुप ए होता है वो हिंदू मेजोरिटी का होता है, ग्रुप बी वाला जो होता है वो मुस्लिम मेजोरिटी का होता है, ग्रुप सी वाला होता है वो मिक्स पॉपुलेशन का होता है। तो पहले हम ग्रुप ए की तरफ देख के चलते हैं, तो जो हिंदू मेजोरिटी में जो जो स्टेट या जो प्रोविंसेस थे तो उसमें पहला प्रोविंसेस था मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने इतने स्टेट्स के नाम वहां पे उस समय लिखे, इनको अलॉट जो सीट की गई है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 190 सीटें ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी को अलॉट किया गया। ओके, संविधान सभा के लिए। दूसरी तरफ हम ग्रुप बी में जब आप अपने मुस्लिम मेजोरिटी की तरफ आते हैं तो देखिएगा ये पंजाब वाला हिस्सा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट, सिंध, बलूचिस्तान, यानी कि जो आज प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वही वाला हिस्सा ग्रुप बी मुस्लिम मेजोरिटी सीट को अलॉट किया गया था और इनको सीटें अलॉट की गई थी 36। अब आप देख लीजिएगा 190 सीटें ग्रुप ए को अलॉट किया गया, ग्रुप बी को 36 सीटें अलॉट की गई है और ग्रुप सी यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन थी, एक संयुक्त जनसंख्या था यहाँ पे बंगाल और असम में एक मिक्स पॉपुलेशन था और यहाँ पे इनको जो सीटें अलॉट की गई थी वो 70 सीटें अलॉट की गई थी। समझ में आ रहा है 70 सीटें अलॉट की गई थी। चलिए इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और चीजें लिख दूं। थोड़ा सा इसको मैं रेफर दूं। ठीक है, यहाँ पे जो फिर जो उनको सीटें सबको अलॉट की गई आपने देखा होगा 190 सीटें, 36 सीटें और 70 सीटें जो अलॉट की गई है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर क्या हुआ था 93 सीटें, ध्यान देखिएगा स्टूडेंट,
93 सीटें क्या की गई थी, किसको अलॉट की गई थी, प्रिंसली स्टेट को। यहां ध्यान देने वाली ये बात है, 93 सीटें प्रिंसली स्टेट को क्या किया गया था, अलॉट किया गया था, यानी कि उनको भी बोला गया कि जो हमारे उस समय आपको मालूम होगा आजादी के समय में हमारे यहाँ अप्रॉक्स 550 से ज्यादा देसी रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको भी सीटें 93 सीटें अलॉट की गई थी। तो आप आइए संविधान सभा में, तो अब हम देखिए टोटल, अगर टोटल करते हैं 190 सीटें ग्रुप ए को, 36 सीटें और प्लस 73 सीटें और प्लस 93 सीटें, इसको जब हम टोटल करेंगे तो 389 सीटें आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ था, आपको मालूम होगा प्रिंसली स्टेट ने बैकआउट कर दिया संविधान सभा का कि हम भैया हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्होंने क्या कर दिया, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इनको हटा दीजिएगा। तो इस हिसाब से 296 सीटें, 190, 36 और 73, ठीक है, यानी 296 सीटों का ही फिर क्या हुआ था, वहां पे इलेक्शंस होते हैं उस समय। चले अब हम देखते हैं संविधान सभा के लिए जब हमारे यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने आपको लिखाया ही, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंसली स्टेट को मैंने क्या लिखा है, 93 सीटें अलॉट किया है। जब हम टोटल कर लेते हैं 190 सीटें प्लस 36 सीटें प्लस 70 सीटें प्लस 93 सीटें, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और प्रिंसली स्टेट, टोटल 389 सीटें। और मैंने बोला ही है कि 93 सीटें यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो बायकॉट कर जाते हैं, यानी वो पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं संविधान सभा के लिए। तो अब क्या होता है, 296 सीटों के लिए वोटिंग होता है, और जो फिर जब वोट पड़ते हैं संविधान सभा के लिए, उसमें से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट सारी चीजें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीटें जीतती है। ध्यान देने वाली बात यह है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या होता है यहाँ पे, 208 सीटें जीतती है, और मुस्लिम लीग देखिएगा, मुस्लिम लीग यहाँ पे 73 सीटें जीतती है, और अदर पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके खाते में 15 सीटें आती हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ भी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, लेकिन आपको मालूम ही होना चाहिए कि मुस्लिम लीग भी अब यहाँ पे क्या करने वाली है, बैकआउट करने वाली है। क्यों बैकआउट करने, क्योंकि आपको मालूम है कि वो अलग संविधान सभा की, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रहे थे। तो मुस्लिम लीग भी यहाँ पे क्या कर जाती है, यहाँ पे जो उनके थर्टी बैकआउट कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जो अदर 15 मेंबर्स हैं, इसमें से भी कुछ लोगों ने मिलकर के अब ये जो पहला जो मेंबर्स जाते हैं संविधान सभा में, 211 लोगों टोटल जाते हैं वहां पे। अब 211 लोगों को हमें यहीं पे देख के चलना है कि कैसे हमारे यहाँ फ्रेमिंग्स होने वाली है कॉन्स्टेंट, अब कैसे कमेटी बनेगी, कौन कौन से लोग होंगे, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल में। मैं टॉपिक एक एक टॉपिक पे मैं डिटेल में वीडियो आपको बना दिया करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक जब आप जैसे ही आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हर जैसे आप पॉलिटिकल कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज मेरा पहला इस यूट्यूब चैनल पे मेरा पहला लेक्चर है यूजीसी पॉलिटिकल साइंस के चैनल पर। तो आज मैं आपको सिर्फ देखिए कोई टॉपिक मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूं, मैं आज आपको सिर्फ एक बेस देने का काम यहां पे कर रहा हूं कि इसी तरीके से आप जब बेस ले लेंगे तो मैं फिर कोई भी टॉपिक जब शुरुआत करूंगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक चीजें आपको मालूम होगी, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीए यूजीसी नेट के लिए कर रहे हो या यूपीएससी के लिए कर रहे हो या कोई और अदर कंपिटेटिव एग्जाम के लिए आप स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यहां से मेरे इस वीडियो से आपको फायदा मिलने वाला है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। आप जैसे ही इस मेरे वीडियो को देख रहे हो देखिएगा आपको बहुत फायदा यहाँ पे मिलने वाला है, सारे के सारी बेस मैं यहाँ पे एकदम क्लियर करने वाला हूं आप लोगों का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि किस हिसाब से इन्होंने बायकॉट किया है मुस्लिम लीग ने, 208 मेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के एंड अदर 15 जो थे अदर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स थे। अब दोस्तों लगभग जब ये 73 यहाँ पे बायकॉट कर जाएंगे तो ये हट जाएंगे यहाँ से। चले अब हम आगे देखते हैं यही लोग क्या कहते हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसी में से मान लीजिए जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए हैं चुन करके, वो उन्हें अब ये क्या करेंगे, संविधान सभा की बैठक शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बैठक देखिए, थोड़ा सा मैं फिर से बहुत कुछ चीजें बता दूं यहाँ पे, इसको पहले मैं रफ कर दूं। और कुछ फैक्ट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, चलें अब यहां पे क्या होगा, जब ये 211 मेंबर्स वहां पे जब वोटिंग होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब वोटिंग हो गई ना, आईएनसी के मेंबर्स 208 लोग थे, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के 15 थे, तो अब क्या होगा, जो सबसे पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9th of December 1946 को, तो डेट ध्यान में रख के चलिएगा,
तो चीजें मैं बेसिक चीजें लिखवा रहा हूँ, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। और यहाँ पे फ्रांस की तर्ज पे, हमारे यहाँ फ्रांस की तर्ज पे जो सबसे सीनियर मेंबर्स होते हैं उसी तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। तो और उसी के ठीक दो दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट मेंबर के रूप में, परमानेंट मेंबर के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का मतलब अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट मेंबर इनको चूज कर लिया जाता है। समझ में आ गया? तो कुछ यहाँ पे उसके बाद बेसिक चीजें मैंने आज आपको दिया, डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा जी को यहाँ पे चूज कर लिया दो दिन के लिए, मतलब 9 दिसंबर 1946 से ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं, बाद में 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट मेंबर चूज कर लिया जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग वगैरह शुरुआत हो जाएगी तो यहाँ पे संविधान सभा में क्या होगा, अब कमिटीज बनाई जाएंगी। तो देखिएगा उस समय 21-22 कमेटियां प्रमुखता तौर पे थी और 8 कमेटी उसमें से बड़ी कमेटियां थी, जो 8 कमेटी थी बड़ी कमेटी थी। देखिए अब हम सारी की सारी चीजों आपको डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजें मैंने आपसे बोला ही है कि आज का जो लेक्चर है ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज में हमारे इस तरीके से संविधान सभा बनाई गई, यहाँ पे ऐसे लोग वोटिंग हुआ और यहाँ पे ये भी ऐसे लोग पार्टिसिपेट किए, सारी की सारी चीजें क्लियर। तो 8 वहां पे प्रमुख समितियां थी और उसमें से देखिएगा एक जो सबसे मेन हम कह सकते हैं इन समितियों में जो सबसे मेन समिति थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप समिति, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति थी और इसमें टोटल 7 मेंबर थे, एक अध्यक्ष और उसके बाद 6 और मेंबर थे, 7 मेंबर टोटल लोग थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बिल्कुल जो भी चीजें मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कर दिया गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे सारी चीजें समझ में आ रही होगी। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुना गया था, इसमें 6 और मेंबर्स थे, डॉक्टर मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे और इसमें के मुंशी भी थे और भी स्वामी कृष्ण एंगर भी थे, तो ऐसे लोग मेंबर्स थे और ये काफी ज्यादा ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और ये जो ड्राफ्ट कमेटी जो का गठन किया गया था, एक चीज है मैं यहाँ पे रफ करता चलूँ और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो उस समय बनाई गई थी, इसको रफ करता हूं, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी मैं बोलने जा रहा हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी, यहां पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई है उसका जो गठन हुआ है, डेट याद रखिएगा 29th of August 1947, यानी कि आजादी के बाद, आप 29th of August 1947 आजादी के बाद। तो ये और इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, संविधान जो हमारा बनना था उसके लिए पूरा उसको अध्ययन करके उस पर एक प्रारूप तैयार करने का इसका मकसद था, पूरा का पूरा प्रारूप यहाँ पे देना था, संविधान सभा का फ्रेमिंग करके देनी थी। और इसने फरवरी 1948 को इसने क्या कर दिया, एक पूरा का पूरा प्रस्ताव तैयार करके संविधान सभा के सामने रख दिया। तो ये डेट जरूर याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, मैंने बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उसमें 6 और मेंबर्स थे, टोटल 7 लोग थे। तो डेट याद रखिएगा 29 अगस्त, और कब बनी थी, गठन हुआ था, और फरवरी 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट या कह सकते हैं पूरा का पूरा प्रस्ताव तैयार करके संविधान सभा के सामने रखा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे उसके बाद फिर अब हमारे यहाँ पूरा का पूरा अपना एक फ्रेमिंग शुरुआत हुई होगी। तो जैसे आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ना कि फंडामेंटल प्रीएम्बल्स को देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे, डीपीएसपी को देख के चलेंगे, या पूरा का पूरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यूनियन को देख के चलेंगे, स्टेट यूनियन एग्जीक्यूटिव को देख के चलेंगे, जुडिशरी के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद जो हमारे पंचायत और लोकल बॉडीज है उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है, यानी जितने भी आपके सिलेबस के जो भी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। तो आज अभी आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, ओके थैंक यू। तो आप लोग का अगर बेस क्लियर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा
कि आप लोग मैसेज करके बताते रहते। देखिए प्लीज आप कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग से बार बार इसलिए कहता हूँ कि लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इससे क्या होगा मुझे आपकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखेगी, मुझे पता चलता रहेगा कि आप प्रेजेंस हो और आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई डाउट हो तो आप फॉरन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप फॉरन मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चले आगे हम बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। जब इसी तरीके से मैंने आपको बोला पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन फ्रेमिंग होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम जब टॉपिक वाइज आपको लेक्चर देना शुरू करेंगे तो वहां पे और डिटेल में, अभी तो आज मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है ना, और डिटेल में वहां पे हम देख लेंगे कि और कैसे कैसे हुआ था और उसके बारे में मैं बेसिक चीजें भी जो आपका फैक्ट्स होगा फैक्ट्स को भी मैं आपको लिखा दिया करूंगा, बोल दिया करूंगा और फिर कॉन्सेप्ट को समझा ही रहा हूं मैं यहां पे लेक्चर में। चले तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बन करके तैयार हो गया और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट भी मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है जैसे हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ था, लेकिन इस दिन पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। और आप सबको मालूम है हमारा संविधान पूरी तरीके से कब लागू हुआ है, 26 जैन 1950। इस दिन बस कुछ ही प्रावधान लागू कर दिए गए थे जैसे सिटीजनशिप वगैरह। और देखिए सिटीजनशिप भी आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पूरा एक डिटेल में मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ, मैं आपको पूरी की पूरी तरीके से सिटीजनशिप पे मैं कवर करवा दूंगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, जितने भी आपको सिलेबस में जितनी भी आपके टर्मोलॉजीज है या जो भी टॉपिक है मैं एक एक चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके चले आगे हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आने से पहले हम देखेंगे और यहां पे हम पहले जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में बेसिक डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद हम संविधान के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे यानी उसके विशेषताओं पे आएंगे। ठीक है तो सबसे पहले आज हम हमारे मन में देखिए दो सवाल आप टीचर से अक्सर सुनते रहते होंगे, दो वर्ड्स आप कहीं पढ़ते होंगे, एक है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा पॉलिटी, संविधान और राज्य व्यवस्था। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, दोनों में फर्क है, तो इसी फर्क को आज मैं अपने इस लेक्चर को जब कंप्लीट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या फर्क होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाए। स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके आधार पर कोई कंट्री गवर्न रूल करती है। तो हमारे जैसे अपने भारत की मैं बात करूँ तो हमारे भारत में एक संविधान है और उसी के आधार पर हमारे यहाँ क्या चलता है, हमारे उसी के आधार पर हमारा देश को शासन चलाया जाता है, कंट्री को गवर्न किया जाता है, रूल किया जाता है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि पॉलिटी क्या होता है, आप सुनते रहते हो सर पॉलिटी राज व्यवस्था, संविधान और राज व्यवस्था में फर्क क्या है। यही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसी का जब हम व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं यानी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी संविधान का जब हम व्यवहारिक अनुप्रयोग करते हैं तो वही हमारा राज व्यवस्था हो जाती है, पॉलिटी हो जाती है। तो आई होप आज आप बेसिक डिफरेंस भी जान गए होंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में और पॉलिटी के बारे में। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपको सारे के सारे बेस क्लियर हो रहे हैं। चले आगे हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के, जब हमने बेसिक डेफिनेशन देख लिया है तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे, क्या थी। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो आप देखेंगे 22 पार्ट्स थे। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि फैक्ट भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पूछेंगे पूछेंगे फैक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो अच्छे से समझिएगा बेसिक क्लास को, ठीक है। 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। अब आप कह रहे होंगे सर अभी तो हम कई जगह देखते हैं कि 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 463 या 480 तक आर्टिकल्स हैं, तो बिल्कुल अभी उसके बारे में भी समझाएंगे। और 8 शेड्यूल थे, कितने शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे यानी कि 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी उस समय। तो आज भी हमारे यहाँ जो देखिएगा प्रेजेंट टाइम में जो हम देखेंगे तो 25 पार्ट हो गए हैं हमारे यहाँ। मैं टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा कैसे कौन कौन से पार्ट ऐड हुए हैं। हालांकि अगर हम ऑफिशियल रिटर्न उसमें देखेंगे तो 395 आर्टिकल ही हमको देखेंगे, 22 पार्ट से ही हमें देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब उसमें अमेंडमेंट होगा यानी संविधान संशोधन होता रहता है तो चीजें जो ऐड की गई हैं उसके आधार पे 25 भाग बोला जाता है और 450 से ज्यादा अप्रॉक्स आर्टिकल होंगे। और फिर इस समय जो हमारी जो शेड्यूल हो गई है, अनुसूचियां हो गई हैं, वो 12 हो गई हैं। लेकिन आमतौर पे आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो मूल कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है। 395 अनुच्छेद आपको बोलना है, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो हम शेड्यूल्स को भी बता देंगे बेसिक चीजें, और आर्टिकल्स के बारे में तो हमें पढ़ाना ही है, बिल्कुल बेसिक चीजें सारी चीजें जो आपके एग्जाम के
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी उसको भी मैं कवर करता चलूंगा। ओके तो हमने यहाँ पे ये देखा, बेसिक डेफिनेशन देखी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, फिर पॉलिटी के बारे में हमने देखा कि इसकी मतलब क्या होता है, फिर कुछ चीजें ओरिजिनल। चले आइए हम आगे डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर, यानी कि संविधान की विशेषताओं पर। सारे के सारे टॉपिक जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज लगातार चीजों को समझते रहिएगा। तो आज हम जब शुरुआत कर रहे हैं अपनी विशेषताओं पे, संविधान के विशेषताओं पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम विशेषताओं पे आज डिस्कस करेंगे। विशेषताओं, ठीक है, तो जब हमने बेसिक चीजें देख ली, अब हमारा संविधान क्या है इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे रिटन और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा, तो इसका क्या मतलब है कि लिखित संविधान का और निर्मित संविधान का। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ रिटन मतलब लिखित होता है, इनेक्टेड का यहाँ पे जो मतलब है फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे, इनेक्टेड का मतलब यहाँ पे होता है निर्मित, इनेक्टेड का मतलब होता है निर्मित होता है। चले आगे हम देखते हैं कि निर्मित क्या। अब रिटेन और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इन विच मैक्सिमम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इन द फॉर्म ऑफ रिटेन डॉक्यूमेंट। साधारण से शब्दों में मैं आपको अगर समझाऊं उसका क्या मतलब है कि ऐसा दस्तावेज यानी जो हमारा संविधान है उसके जो मैक्सिमम प्रोविजन है, जो उसके ज्यादातर जो प्रावधान हो वो लिखित दस्तावेजों के रूप में हो, तो ऐसे देश के संविधान को हम लिखित संविधान बोलेंगे। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, जो उसके पूरे जो प्रावधान है वो लिखित फॉर्म में हमारे पास एक रिटन फॉर्म में मौजूद है, तो इस हिसाब से हमारा कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है वो देख के चलना है कि सर इनेक्टेड और लिखित निर्मित क्या होता है। यहाँ पे ये वर्ड है इसको समझ के चलना है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आमतौर पर रिटन तो आप समझ लिए होंगे। देखिए इनेक्टेड निर्मित का क्या मतलब होता है ये समझिएगा, क्यों हमारा निर्मित है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर देखिएगा, दैट कॉन्स्टिट्यूशन दिस फॉर्म्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट अ पर्टिकुलर टाइम, आर्टिकुलर नहीं यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम होगा, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे हम बताएंगे, यानी कि ऐसा संविधान जिसको संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में बनाया गया हो। तो क्या हमारा संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जी हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हुई है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हुआ है और एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक पार्टिकुलर टाइम में बनाया गया है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा संविधान निर्मित संविधान है, जी हाँ बिल्कुल हमारा संविधान निर्मित संविधान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा संविधान जिसको एक संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया हो संविधान सभा और एक निश्चित समय टाइम पीरियड में, तो इस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इनेक्टेड होगा। चले आगे हम देखते हैं, जी हाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम कह सकते हैं, बिल्कुल परीक्षा आप जो पूछ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बीच में, पॉलिटी बिल्कुल हमारा जो बिहेवियर या प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी हिसाब से हम पॉलिटी बोलते हैं इसको। चले आगे हम देखते हैं कि हमने क्या लिख रखा है, रिजिड लिख रखा है और एक फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबिलिटी हमने यहाँ पे स्क्रीन पर लिख रखा है। तो आज हम रिजिड के बारे में भी समझ के चलते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जो, और फ्लेक्सिबिलिटी या फ्लेक्सिबल क्या होता है। रिजिड का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप समझिएगा, यहाँ रिजिड का मतलब होता है कठोर, रिजिड का क्या मतलब हुआ, कठोर संविधान। तो हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, तो हमारा संविधान रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है, या उसका कह सकते हैं हमने मिक्स तरीके से, मिक्सअप संविधान हमारा है पूरी तरीके से। कुछ प्रावधान संविधान के हमारे बहुत कठोर है और कुछ प्रावधान हमारे संविधान के बहुत ही ज्यादा लचीला है, बहुत ही ज्यादा आसानी है। तो अब हम दोनों इस टर्म्स के बारे में समझते हैं कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिख रखा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रिजिड का मतलब हुआ दैट कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा ऐसा संविधान यानी कि जिसमें संशोधन क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल यानी कि विशेष बहुमत से यहाँ पे संशोधन होता हो। यहाँ पे समझिएगा विशेष बहुमत, अभी हम आपको समझाएंगे कि विशेष बहुमत क्या होता है या बहुमत के प्रकार क्या है, सारी चीजें मैं आपको आज ही लेक्चर में यानी कि बेस क्लासेस में आज आपको मैं कवर कर दे रहा हूँ, जो आपको जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे ना कोई भी चीज है तो आपको वहां पे आसानी से क्लियर हो जाएगा सर स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो ऐसा संविधान में संशोधन जो हमारा विशेष बहुमत से हो, तो ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान बोलते हैं,
और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल मेजोरिटी से यानी कि साधारण बहुमत से जो संविधान में संशोधन हो साधारण बहुमत से, तो ऐसे संशोधन को या ऐसे संविधान को हम क्या बोलते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा लचीला संविधान है या फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में समझते हैं। यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे रिजिड क्या होता है और फ्लेक्सिबल क्या है, तो हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बोल दूं कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में, मैं इसको रफ करता हूँ। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी क्या होती है यहाँ पे हम देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम समझते हैं जो आपके वर्ड आए ना सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, तो हम इसको भी देख के चलेंगे। ओके चलें, अब हम जल्दी से समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी यहां जो हमारी टॉपिक होने वाली है, बस दो मिनट में समझ लीजिएगा टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, क्योंकि वहां पे वर्ड आया ना तो वहां पे मैं समझा दे रहा हूं आपको इसका क्या मतलब। देखिएगा हमारे यहाँ बहुमत के जो प्रकार है वो तीन टाइप के बहुमत होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स की मेजोरिटी हमारे यहाँ होती है, थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। क्या बोलते हैं? सिंपल मेजोरिटी। दूसरा जो हमारे यहाँ जो टाइप्स होती है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। और जो तीसरा जो टाइप्स होता है वो हमारे यहाँ बोला जाता है उसको स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि सबसे पहले साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत, यही तीन तरीके से बहुमत होती है। तो इसको भी मैं बेसिक चीज अगर आप समझ रहे हैं तो 50% + 1 तो जो सिंपल मेजोरिटी हो गई एब्सोल्यूट का तो वैकेंट सीट को माइनस कर देंगे और उसके बाद उसका 50% 1, और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3। आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल का 2/3 हम देखेंगे तो उस हिसाब से स्पेशल मेजोरिटी होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ देखिएगा बहुत से बिल्स जो होते हैं या किसी चीज़ को जैसे प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट करना हुआ या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूवल करना हुआ, तो हम देखेंगे वहाँ पे आप ये वर्ड सुनेंगे कि सिंपल स्पेशल मेजोरिटी होता है, तो उस चीज़ों को हम समझ लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे। और हम देखते हैं अपने करेक्टरिस्टिक्स पे कि हमारे यहाँ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेजेस। इसका क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेजेस का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार है, यानी कि जो संविधान में जो चीज़ आप देखते हैं ना कि 18+ हमारे यहाँ वोटिंग होती है, यानी कि 18 साल के ऊपर चीज़ें जो भी लोग रहते हैं वो वोटिंग वगैरह करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेजेस के हमारे यहाँ एक विशेषता है भारतीय संविधान की। दूसरी तरीके से जब आप चलते हैं, अब हम अपने कुछ चीज़ें और बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जो भी स्टूडेंट्स मुझे लाइव जुड़े हुए हैं, आपको जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी बेसिक क्लास दे रहा हूँ, क्या आपको वो समझ में आ रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलें आगे हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, अगली जो हमारी हेडिंग है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान का वर्णन। ध्यान रखिएगा जो हमारी हेडिंग है ये हेडिंग क्या है? संविधान का वर्णन। तो अब हम इसको देख के चलेंगे। यहाँ पे जब आज आपको मैं ये चीजें क्लियर कर दूंगा तब आप अपने पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी में जो आपको पढ़ना है, यानी पूरे का पूरा सिलेबस जो पढ़ना है, यहाँ से आज आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि हमको किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे कैसे सिलेबस हमारा दिया गया हुआ है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की बात है। देखिएगा डिस्क्रिप्शन जब वर्णन को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और पहला वाला पार्ट मैंने पार्ट जो रखा है फिलॉसफी, यानी कि ये जो संविधान का जो ये हिस्सा है ये दर्शन पार्ट है। संविधान का पहला जो फिलोसफिकल हिस्सा है वो दर्शन दार्शनिक चीजें हैं, और दूसरा वाला हिस्सा है सरकार का गठन से रिलेटेड यहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे भी हम देखेंगे, और तीसरा मिसलेनियस यानी विविध वाला सेगमेंट है, उसमें हम क्या क्या चीजें लेके चलेंगे। तो जल्दी से इसको हम समझ लेते हैं कि इस टॉपिक की रिलेवेंसी क्या है, क्यों मैं आज आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो बिल्कुल आज हम जब आपको ये चीजें अच्छे से डिस्कस कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं।
ओके चलो जल्दी से हम देखते हैं कि क्या है फिलोसफिकल पार्ट में, यानी जो दार्शनिक पार्ट है। सबसे पहले इस पार्ट में हम देखिएगा पूरा का पूरा प्रेम्बल पढ़ेंगे, यानी कि जब आप अपना सिलेबस स्टॉक देखेंगे तो आपको वहां पे प्रेम्बल मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स हम इसमें पढ़ लेंगे, इसमें हम ड्यूटीज पढ़ लेंगे, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। इन सब चीजों को जब हम देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स और प्रेम्बल वाला ये हिस्सा पूरा का पूरा जब हम पढ़ लेंगे, यहां तक देखिएगा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये अप्रॉक्स मतलब कि 33% हिस्सा है। यानी कि अगर हम अगर इसको पार्ट में डिवाइड कर लें, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, तो इस तरीके से जब हम अपने सिलेबस पार्ट ए को जो फिलोसफिकल पार्ट पूरी तरीके से हम आपको पढ़ा चुके रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो संविधान वाला जो हिस्सा होगा उसका 33% हिस्सा हो गया। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपका ये जो आज मुझसे जो आप यूनिट 7 जो आप पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, देखिएगा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट ये है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम आपका जो 10th यूनिट है, 10 जो आपके यूनिट है उनमें से कम से कम 3 यूनिट आपको कवर करता है ये। यानी कि आपका अगर क्वेश्चंस में अगर मैं ऑन एवरेज क्वेश्चंस की बात करूं तो 30 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको इस सेगमेंट से मिलने वाले हैं। तो प्लीज इसको इस टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए अगर हम 1/3 ऑन एवरेज 1/3 ही हो रहा है ना, 30 क्वेश्चन 100 में से अगर हमको 30 क्वेश्चन यहाँ से मिल जा रहे हैं तो उसी हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी। यानी कि इससे रिलेटेड टॉपिक से जब हम पढ़ेंगे ना, आपको गवर्नेंस वाला भी इसमें कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत पैमेट का भी होगा, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजें आप इसमें हम देख लेंगे। यानी इसको अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को अच्छे से समझ लेते हैं, सोचिए कम से कम आपकी 3 यूनिट तैयार होने वाली है, यानी कि कम से कम मिनिमम 30 क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। तो फ्रेंड प्लीज इस टॉपिक को बहुत ही सिंसियर होकर के बहुत सीरियसनेस के साथ इस टॉपिक को पढ़िएगा मेरे साथ। ओके चले अब हम देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो यहाँ पे जो हम पहला हिस्सा जब हम पढ़ लेंगे फिलोसफी वाला, यानी दर्शन वाला, प्रेम्बल को पढ़ लेंगे, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, डीपीएसपी को पढ़ लेंगे, ड्यूटीज को पढ़ लेंगे, तो आप कह सकते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का 33% हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों देखिएगा जो ये मेन हिस्सा देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार का गठन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपके सिलेबस उठा के देखिएगा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। ओके शोभी गुड मॉर्निंग, आप मेरे नए स्टूडेंट हो, अच्छी बात है। तो जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ते रहिएगा और प्लीज कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा जो भी बेसिक क्लासेस आपको आज मैं बेस क्लास दे रहा हूँ, आपका एक माइंड मेकअप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि संविधान हमारा ऐसे है और इस तरीके से बना है और मैं आगे की क्लासेस इस तरीके से लूंगा, तो आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा मुझसे। चले अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा था, ये आपके सिलेबस का यानी कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन, ये लगभग हम 50% यहाँ कवर कर लेंगे टॉपिक को, यानी कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का 50%। तो ये सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल वाला हिस्सा है और स्टेट वाला, यानी कि हम केंद्र सरकार के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप देखेंगे, अपना सिलेबस उठा के देखिएगा उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर्स होगा, या हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, या जो भी होगा हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के बारे में, या उससे रिलेटेड जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, सारी चीजें हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स में टॉपिक वाले हिस्से में देख के चलेंगे। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जब स्टेट यानी राज्य यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव पे आएंगे, तो यहाँ पे जो संघ राज्य की कार्यपालिका पे आएंगे, तो यहाँ पे भी हम जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में उसके बारे में देखा है, प्रेसिडेंट के बारे में, यहाँ पे हम गवर्नर के बारे में देखेंगे, चीफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे, इसी सेगमेंट में हाईकोर्ट यानी जुडिशरी वाला भी सेगमेंट हम कवर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो ना कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को आगे कवर करने वाले हैं और आपका क्या क्या चीजें हम जब कंप्लीट करते रहेंगे ये यूनिट 7, तो आप देखिएगा कितने आसानी से आपको तैयार होता रहेगा। और यूनिट 7 सिर्फ आपके एनटीए यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेगमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीए यूजीसी नेट में आपको 30 क्वेश्चन तो यहाँ से तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में अगर आप कोई और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी का कम से कम आप मेरी क्लास पढ़ने से आपको 70-80% हिस्सा आपको आसानी के साथ मैं कवर करवा दूंगा यहाँ पे, कम से कम मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पे मैं देखिएगा बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, आपकी जो बोलचाल की भाषा होगी मैं बिल्कुल वही यूज करने वाला हूँ, एकदम आसानी के साथ आपको पूरी की पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का सेगमेंट आपको समझाने जा रहा हूँ या समझाऊंगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट में हमने ये चीजें देख ली हैं, तो चले हम आगे अब देखते हैं। हमने फिलोसफिकल पार्ट देखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में देखा, और मिसलिनियस पार्ट को भी हम देख के चलते हैं कि मिसलिनियस पार्ट में भी हम अपने सिलेबस का जो हिस्सा जो बच रहा है, यानी कि 17% यहाँ पे देखिए आप बच रहे हैं ना, जब हम 33% फिलोसफिकल पार्ट पढ़ लेंगे
50% वाला हिस्सा हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या और भी अदर चीजों में हम पढ़ लेंगे, और जो रेस्ट बच रहा है लगभग 15 से 17% वो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसी में हम देखिएगा सिटीजनशिप वगैरह को भी कवर करते चलेंगे इसी वाले टॉपिक में। सिटीजनशिप ऐसे मैंने बताया वो आपका इंपॉर्टेंट है ना, तो और आपको यूनिट वन में भी सिटीजनशिप को लेकर के है, तो सारी चीजें बेस बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसमें देखिए हम इलेक्शंस के बारे में सारी के सारे इलेक्शन प्रोसीजर से लेकर के सारे नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज और सारी की सारी चीजें हम इलेक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे मिसलेनियस वाले सेगमेंट में। अब देखिएगा पंचायत वाला आपका टॉपिक यहाँ पे भी है पंचायत, आप गवर्नेंस वाले में अपने टॉपिक पे जाएंगे जब आप गवर्नेंस देखेंगे, पैबेट में तो नहीं लेकिन जब आप गवर्नेंस वाला टॉपिक यहाँ पे देखेंगे तो उसमें भी आपको पंचायत वाला टॉपिक मिल जाएगा आपको। मैंने कहा ना डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपका एक साथ कहते ना दो दो तीन तीन यूनिट तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड बहुत सीरियस होकर इस टॉपिक को पढ़िएगा, और मैं आपसे फिर मैं अपने हर लेक्चर में एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी मेरा लेक्चर जब आप अटेंड किया करें तो अपने सामने एक नोट्स और एक पेन लेकर के बैठा करो, जो भी चीज मैं आपको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, ये मेरे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको साथ ही साथ नोट डाउन करते रहा करो। जी हाँ, आपने पूछा सर डेली क्लासेस होगा, टाइमिंग क्या है 10 AM और एक्चुअली कल मैंने आपको शाम में ये बताया था 10 AM, तो 10 AM से मेरी क्लास नहीं 11 बजे से मेरी क्लासेस रोज होगी, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा कुछ मतलब टाइमिंग क्लियर नहीं था तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हाँ आज मैं शाम में भी अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर डेली 11 बजे मैं ऑनलाइन आ जाया करूंगा, और ये यहाँ सुबह वाला जो मेरी क्लासेस होगी यहाँ पे मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी वाला सेगमेंट यूनिट 7 डिस्कस कर रहा हूँ, और जो शाम में मेरी 9 बजे क्लासेस होती है वहां पे मैं यूनिट 1 पढ़ा रहा हूँ एकदम शुरुआत से। तो ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है तो आप दोनों टाइम मुझसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, हमने कहा ना पंचायत वगैरह के बारे में यहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस कर लिया करेंगे, और जो भी संविधान में संशोधन या संवैधानिक चीजें होंगी, संशोधन अमेंडमेंट वाला हिस्सा या और भी चीजें हम देख लेंगे, या और भी संवैधानिक जो समितियां होंगी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज वगैरह होंगी, सारी चीजें हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस हिसाब से आपकी यूनिट 7 में क्या कर दूंगा, यूनिट पूरी की पूरी 7 यूनिट में आपको कंप्लीट कर दूंगा, और मैंने आपको जैसे बताया कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 यूनिट कम से कम कवर करा देगी, और यानी कि मिनिमम 30 क्वेश्चन आपको तैयार होने वाले हैं अपने NTA UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। दोस्तों आप जुड़े रहिएगा मुझसे, मैं यही कहूंगा, और सारी के सारे टॉपिक मैं इसी तरीके से आसानी के साथ आपको पढ़ाता रहूंगा। चले तो यहाँ पे देखिए मेरा लेक्चर खत्म हो रहा है और मैं यहाँ पे सारी चीजें बता दिया, जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया है पूरा का पूरा, देखिए अगर आप देखेंगे कि एक पिछले एक घंटे में मैंने आपको पूरा का पूरा एक बेसिक से शुरुआत की है 1526 से, यानी कि मुगल पीरियड से मैंने आपको शुरुआत करते हुए मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न पीरियड पे लेकर आया, बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बारे में बताया, फिर सारे एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, हालांकि मैंने सारे एक्ट तो लिखवाए नहीं है लेकिन मैंने बोला है कि अलग अलग टॉपिक पे मेरी एक एक वीडियो आप पे रहेगी, जो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाओ तो आपको जो भी टॉपिक मुझसे पढ़ना हो आराम से आप उस पर क्लिक करोगे, फौरन आप मेरे वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। तो सारी की सारी चीजें हम वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें और जो भी कमिटीज होगी उससे रिलेटेड डेट्स होगी या हमारा फ्रेमिंग होगी या हमारे फ्रीडम फाइटर्स मूवमेंट्स का क्या इसमें योगदान रहा है, सब पे मैं टॉपिक बनाने वाला हूँ, यानी सब पे मैं लेक्चर्स बनाने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप डेली बेसिस पे यानी कि मैं 11 बजे रोज ऑनलाइन आ जाया करूंगा, और आप प्लीज मुझे ज्वाइन करिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपना फायदा उठाइए यहाँ से। एन अकेडमी का ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखिए आप घर बैठे आप यहाँ पे देखिए यूट्यूब पे आप फ्री में आप पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे मुझसे ले रहे हैं अदर टीचर से। तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान्स के बारे में बताया और थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मैंने वोटिंग कैसे हुआ, कौन कौन पार्टी कितनी कितनी सीटें जीता, फिर क्या हुआ, फिर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में बेसिक डिफरेंस बता दिया कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है, फिर मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा का पूरा एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया कि विशेषताएं क्या है हमारे संविधान की, सारी सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। उसके बाद मैंने आपको एक आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का सबसे खास बात यह है दोस्तों, देखिएगा आखिरी वक्त आखिरी जो मेरी स्क्रीन पे जो टॉपिक चल रही है डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको आज पूरा का पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में हमें क्या क्या टॉपिक है हमारी, हालांकि मैं सिलेबस स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ पूरी की पूरी यूनिट 10 पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है, पढ़ाना है क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमें छोड़ के चलनी है, यानी किस चीज़ पे हमें डीपली पढ़ना है, किस चीज़ पे हमें एक आसानी के साथ ऊपर ही ऊपर से पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पॉलिटी का, पूरा 100% सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया, और आपकी आसानी के लिए पूरे के पूरे सिलेबस को मैंने क्या कर दिया है 3 पार्ट में डिवाइड करके 33% हिस्सा, 50% हिस्सा, 17% हिस्सा, यानी कि इस वजह से मैंने आसानी के साथ आपको डिवाइड कर दिया है कि जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता चलूंगा, मैं रोज आपको इसी समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा,
तो जब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता चलूंगा तो आप अपने घर पे बैठ करके खुद से एनालिसिस कर सकते हो कि यूनिट 7 में हमारा कितना परसेंट हिस्सा तैयार हो गया है, कितना परसेंट सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इससे आपका ये फायदा रहेगा कि आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो। और देखिएगा, जब आप किसी भी सिलेबस को, किसी चीज को, यानी जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करके जब उसके ट्रेंड को समझ लोगे तो आपको आसानी ये हो जाएगी, आप अपने एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, हालांकि यहाँ पे एनडीए यूजीसी नेट की मैं बात करूंगा, कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा तो आपको फायदा क्या रहेगा, जब आप अच्छे से एनालिसिस कर लोगे किसी ना किसी टॉपिक के पे, तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक को जब एनालिसिस कर लोगे उसके हिसाब से आप पढ़ोगे, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, तो फायदा ये रहेगा आप उससे पढ़ के जाओ, फिर आप घर पे अपने बैठ करके रिवीजन कर लिया अगर अच्छे से, तो सारी की सारी चीजें आपको तैयार होती जाएंगी। तो फ्रेंड्स, तो मेरे जितना भी चीजें मैंने आज आपको समझाया है, तो प्लीज इसको अच्छे समझिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी पेन और नोटबुक लेकर के बैठा करो, मेरे लेक्चर्स को अच्छे से सुना करो और लिखते रहा करो, ठीक है। और बाकी आप वीडियो बार बार, एक दो बार, तीन बार आप जब देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। और हम, मैं कल फिर दूसरी टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा। ओके, थैंक यू। तो मैं यही बोलूंगा, और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अनअकैडमी देखिए, जब प्लस आप प्लेटफॉर्म जानते होंगे, अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, तो ये जो प्लस प्लेटफॉर्म है आपको मालूम होगा, यहाँ पे आपको जो चीजें, आप मैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ वहां से आपको एक एडवांस वे पे चीजें मिलेंगी प्लस प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जैसे ही आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहां पे मैं आपको बता दूं, आप वहां पे जैसे लेना चाहेंगे तो फौरन SAF10, आप जैसे ही हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं, SAF10 आप मेरा रेफरल कोड मत भूलिएगा, जैसे ही आप इस कोड को यूज करते हैं आपको 10% एक्स्ट्रा वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे मैं NTUGC नेट में मैं आपको बताऊंगा, 12 मंथ या 24 मंथ का आप प्लान लीजिएगा तो आपका फायदा होगा, अप्रॉक्स 9000 या 10000 में आपका पूरा का पूरा प्लान हो जाएगा 12 मंथ का, और फिर 24 मंथ का तो इससे भी सस्ता है, यानी कि जब आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो आपको कम पैसे में ज्यादा चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे आपको जब प्लस प्लेटफॉर्म पर आप आ जाएंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी चीजें नहीं हो पाती हैं, मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकता हूँ, लेकिन प्लस पे आपको ये चीजें बहुत अच्छी से मिलेंगी, आप अच्छे से अच्छे एजुकेटर से आप क्या कर सकते हो, अपनी क्लास कर सकते हो। तो ये आपका अनअकैडमी का प्लस जो है, ये सब्सक्रिप्शन, इसका ये फायदा होगा, ठीक है। तो SAF10 रेफरल कोड यूज करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू, आज मेरी क्लास यही तक थी, कल 11 बजे आप लोग आ जाइएगा, और अगर शाम में किसी को यूनिट 1 पढ़ना हो तो 9 बजे मैं आता हूँ अनअकैडमी UGC नेट वाले चैनल पे, और मॉर्निंग में पॉलिटिकल